मिलोगी क्या मुझसे? मैं 2 बजे तक कैफे कॉफी हाउस में आती हूँ उनसे मिलने। अभी कॉफी के लिए तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। अरे इसके घर वाले इधर आ रहे तो इधर के घर वाले क्या बाहर चले जाए? मैंने कहा था कि मिलूंगी, मुझे उनसे मिलना है, मिलना ही होगा। हम सब जाएंगे। अरे 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 अरे, आपकी बेटी ने ना मेरे को पागल कर दिया, परेशान कर रही है मुझे, पता आपको? मारने की कोशिश करी जान से इसने मुझे। हाँ परेशान कहाँ हो रहा है तू? तू तो हंस रहा है, वो कैसे परेशान कर रही है तुझे? परेशान नहीं हो रहा, चिढ़ रहा है। प्राची ना इसको बॉस की तरह ट्रीट नहीं करती, अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है और इस करके छेड़ती है इसको, तो ये तो चिढ़ गई। नहीं ये प्राची ना परेशान करती है रणबीर को, तू मत क्या करना। आपको मेरा बेटा बड़ा सही लगता है? आप एक काम कीजिए, आप रख लीजिए, मुझे आपकी बेटी दे दीजिए, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। माँ आप ना हमेशा रणबीर की साइड लेते हो, इसलिए बहुत ज्यादा बोलता है, और आज कुछ ज्यादा ही साइड ले रहे हो। ये प्राची घर का माहौल ही ऐसे, लड़के वाले लड़की वाले, मेरा मतलब है कि रणबीर और उसकी फैमिली साथ में है ना, तो मासी तो उसकी साइड लेंगे। तू तुझे बताती हूँ, तू पहले ना उसको तो देख, चल पहले उसको तो देख ले। तू चल चल, अरे बहुत बोल रही है ना, प्राची बोल रही है ना, रुक ना, सबको डांट रही। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, और तुमने मतलब हम कॉफी पे जाने वाले थे ना। हाँ कॉफी कॉफी, मैं कॉफी डेट थी आज, बट अब कैसे जाएंगे, अब तो पूरा परिवार यहाँ आ गया। अच्छा है ना, सब साथ में जाएंगे, सब साथ में जाएंगे। हाँ और ये क्या बात हुई, ये तो सरासर इंसल्ट हो गई है मेरी। पहले बताना चाहिए था मेरे को कि मेरा रणबीर गर्लफ्रेंड बदल रहा है, मेरी जगह आपको लेके जा रहा है कॉफी के लिए। अरे मैं तैयार व्यार होके आती फिर किसी के मजाल, तो कोई और कॉफी के लिए चला जाए उसके साथ। मेरी प्यारी दीदू, जलस होती कितनी प्यारी लगती है आप मेरी ना, हमेशा हमेशा पहली गर्लफ्रेंड आप ही रहोगे, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है उनको देख के कितनी सीधी सादी है, मुझे लगता है कि इनका बहुत ही कोई सीरियस बॉयफ्रेंड रहा होगा, बहुत सीरियस के साथ, तो आई डोंट थिंक मैं कभी कम्पीट कर पाऊंगा। सही बोल रहे हो। अरे तुझे पता है प्राची का फोन आने से पहले ये तैयार थी किसी से मिलने जाने के लिए, और वो हमसे चोरी छुपे। कोई नाम हमारे रणबीर का और मिलना किसी और से हो? सरिता जी मैं ऐसे ही वो एक काम करते ना, चाय को मारो गोली, इकट्ठे चलते हैं कॉफी पीने। सर गुड आइडिया, गुड आइडिया। हम मैं प्राची को बुलाती हूँ, चलो चलो, अच्छा मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। सारा मूड खराब कर दिया उसने, मुझे लगा मर गया होगा लेकिन अभी भी जिंदा है। अब अगर मेरे हाथ आया ना छोड़ूगा ना उसे। चल छोड़, अभी तू शांत हो जा, ले पानी पी। क्या ही नहीं अभी तक यार, तूने देखा तो नहीं ना उसे? नहीं तो आई एम वेरी सॉरी सर, उस लड़के की वजह से आपको इतना गुस्सा आ गया। नहीं नहीं नहीं, वजह कोई और थी, वो बदतमीज एक नंबर का, बेवजह उस वेटर से लड़ रहा था, मन तो कर रहा था कि उसे वहीं पर वजह कुछ और है जो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। हेलो मैम, टेबल 4, टेबल 4 8। ओके, कौन सा व्यू आप पसंद करेंगे, सिटी व्यू या फिर गार्डन व्यू? हम देखकर डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, कोई भी चलेगा। अरे ऐसे कैसे कोई भी चलेगा, पैसे दे रहे हैं, जो बेस्ट होगा मैं ही बैठेंगे। हम देखकर डिसाइड करते हैं। प्लीज आइए, हम आते हैं। कितनी फनी है, बाय द वे वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है, ये आपकी चॉइस है? नहीं न्यूज़पेपर में रिव्यू अच्छा था। बहुत अच्छे है, यहाँ पे कॉफी पीने में कितना मजा आएगा। आप अरे मेरी मॉम डैड का वेट करोगे? आ जाएंगे, उनको टाइम लगेगा, अभी पापा परेशान होंगे, नीचे पार्किंग लॉट में होंगे, उनसे पार्किंग वार्किंग नहीं होती टाइम, और इन सब में उनकी जो माए मेरी दीदा जो है वो उनको डांट रही होगी, कह रहे कैसा बेटा है इसको, तो पार्किंग नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, और इन सब में मेरी माँ क्या करी होगी, मेरी माँ पेट पकड़ के हंस रही होगी। उनको मौका चाहिए, बट मुझे एक चीज का कंफ्यूजन है कि इन सब में सरिता दादी बेचारी क्या कर रही होगी। बाहर जाके गाड़ी पार्क करके आना, तेरे डैड से मैनेज नहीं हो पा रहा है और मम्मी जी सबके सामने डांट रही होने। क्या कहा था मैंने? देखा यही हो रहा था। चलना। अरे मुझे जाने से पहले एक बात बताओ कि ये सरिता दादी क्या कर रही है इनके बीच में? सरिता दादी तो सबसे ज्यादा हैरान हो रही है, सोच रही है कि किस टाइप की फैमिली है इनकी, घर पे तो ऐसे नहीं थी, घर पे कुछ और बाहर कुछ और। पता है एकदम शॉक में आ गई है,
लेकिन सोच ना तू, मम्मी जी सबके सामने इस उम्र में डैड को चिल्ला रहे, डांट रहे, तो फिर थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मम्मी जी को? इतना नहीं डांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मम्मी जी को, बिल्कुल। और आप इसमें क्या कर रहे थे मम्मी बैठ के? हंस रहे थे ना, मैं पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे ना, देखा ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको खुद हंस रही थी। हाँ हंस रही थी मैं, लेकिन लेकिन इस बार ना मम्मी जी का कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत ज्यादा लगा मम्मी जी का, और जब पापा मेरे ऊपर खड़े होकर मुझे डांटते हैं तब ज्यादा ही लगता आपको? यू फाइन ना? उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की तुम्हें तुम्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश करके। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आई वोंट लीव हिम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा। नहीं भाई, आप अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मत समझिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो उसके साथ वो सब कुछ इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्राची के साथ उसने गलत किया, लेकिन भाई आई कैन जस्ट से वन थिंग कि प्राची के चक्कर में आप अपनी फैमिली को इग्नोर मत करिए। प्राची और उसकी फैमिली हैंडल कर लेंगे, आप सिर्फ रिया पे ध्यान दीजिए। आलिया, रिया और प्राची मेरे लिए दोनों बेटी जैसी। आलिया, रिया और प्राची मेरे लिए दोनों बेटी जैसी। मुझे बताया क्यों नहीं आई? ओके, दिखाओ कहीं लगी तो नहीं तुम्हें, प्लीज आई एम ओके। नहीं, मैंने चेक कर लिया, शी इज फाइन। मुझे बताओ आपके यहाँ पे क्या हुआ है? मुझे क्या, आप गिर गई, लग गई मुझे, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, प्राची की मॉम की दवाई खाई है इसने, शी हैज टू बी फाइन। प्राची की मॉम की होम में दवाई? शी इज एलर्जिक टू एलोपैथी ना? ओह यस आई नो, पूरे दिल्ली को पता है सिवाय मुझे। अब आप ये बात सभी के साथ बार बार करके वायरल कर देंगे। इन लोगों को देखकर लग रहा है बहुत मजे करके हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। नहीं, look at them, तब मजे आ गए, मजे आ गए। लेकिन तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या हुआ, जिसे मिलने गया था मिली नहीं क्या? अरे पता, हम लोग कॉफी शॉप भी गए थे लेकिन तू आ नहीं था। जल्दी आया था और फिर जल्दी निकल गया, या फिर आया नहीं था? अरे नहीं, मैं जा रहा था वहीं पर, रास्ते में मुझे क्या, रास्ते में क्या कुछ ना, जाने देना। अरे बोलना, तू बता, तेरा कॉफी कैसा था? यार हम लोगों का तो पूछ ही मत। हाँ तो तू तो बता ही मत, मैं बताती हूँ। बात ये है, अभी प्राची को तो मैं शुरू से बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आज उसकी माँ को मिलके ऐसा लगा जैसे बरसों पुराने रिश्तेदार सालों बाद मिले। वो क्या कहते हैं, वो फैमिली रीयूनियन। फैमिली रीयूनियन सच में। उन लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिले। इतनी सारी बातें, इतना अपनापन, है ना पल्लो? सच में बहुत मजा आया, वी रियली हैड अ ब्लास्ट। इनफैक्ट मैं तो उन्हें ये भी कह के आई कि सालों से कोहली परिवार और मेरा परिवार एक साथ है और अब हमें एक तीसरा परिवार भी मिल गया। 3-in-1 family, you know, 3-in-1 suite. मुझे तो इनफैक्ट पता ही नहीं था, मुझे पता ही था ये लोग आने वाले, मैं वहां देख के हैरान हो गया। तू भी गया था वहां पर? हाँ मैं गया था, एक्चुअली मैं प्राची के साथ घर गया था उसकी मॉम से मिलने, और वहां देखा तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ऑल ऑफ देम वर देयर, और मेरी नजर तो दरवाजे पे थी, शायद क्या पता तू भी आ जाए। हाँ मजा आता सच में, तू आ जाता ना तो बड़ा मजा आता। अरे भाई एक फैमिली फोटो ही हो जाती हमारी। एक्सक्यूज मी, आज दिन अच्छा नहीं था रिया के लिए, मूड खराब होगा। एक काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? मेरे को चेंज वेंज करना है यार। चल रेस लगाते हैं। रेस? मैं भी चलती हूँ। चल 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 चल। सच में अभी अगर तू होता ना तो बहुत मजा आता। खैर कोई नहीं, तू बता तेरी तेरे वाइफ के साथ मीटिंग कैसी रही? अपने वाइफ से मिला कि नहीं? से मिल नहीं पाया। चेंज वेंज गुड नाइट, गुड नाइट गाइस। जॉर्ज मेरी बेटी के पीछे था, मेरी रिया को ले जाने वाला था, पर अच्छा हुआ आलिया वहां थी और उसने रिया को बचा लिया। ये संजू मेरी लाइफ का सुकून ले गया है। कितना मजा आया ना कॉफी पीकर? अरे मिले तो हम पहले भी हैं, पर ऐसा लग रहा था जैसे आज तो कुछ अलग ही बात थी। सच में ऐसा लगा जैसे हमारा कोई पुराना रिश्तेदार बरसों बाद हमें मिला है, और एक पल के लिए भी हमको नहीं लगा कि वो इतने अमीर लोग हैं और हम लोग गरीब मिडिल क्लास।
अब ना हम लोग हर हफ्ते कॉफी पीने जाएंगे। सब इतना खुश है, कितनी बातें कर रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? कुछ नहीं। अरे प्रज्ञा, ये जरा चूड़ी उतारने में मदद करना, निकल नहीं रही है। आ रही हूँ, तू जा, मुंह हाथ धो के कपड़े बदल, थक गई होगी। हाँ आई एम ओके। प्रज्ञा से भी नहीं मिल पाया, क्या करता, रिया मुसीबत में थी। ऐसे में प्रज्ञा को बताओ मैं क्यों नहीं आ पाया, अपसेट होगी वो मुझसे। नहीं, उसे नहीं बताना चाहिए कि रिया के साथ क्या हुआ, अभी अपसेट है फिर स्ट्रेस में आ जाएगी। फोन करता हूँ बस, और वन साइडेड डांट खा लेता, गुस्सा उतर जाएगा उसका, और उसकी डांट खा के मेरा मूड भी सही हो जाएगा। ओह थैंक गॉड आप यहाँ, अब वो कब से ढूंढ रहा हूँ। हाउ आर यू? गुड, सिट 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 सिट। व्हाट्स हैपनिंग? ऑल गुड। आहा, ये ले फाइल पर। ये क्या? चीफ, आपको नहीं लगता ये बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ा प्रोजेक्ट है? आई थिंक इट्स टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू भी तो बड़ा होता जा रहा है ना, और लाइफ में ना हर उम्र अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आता है। दैट इज राइट चीफ, आई अंडरस्टैंड, और मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है देख के, बट जितनी एक्साइटमेंट हो रही है उतनी नर्वसनेस भी हो रही है। मैं एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के साथ मैं थोड़ी ये वाला प्रोजेक्ट संभाल पाऊंगा। अरे मैं इस फीलिंग से गुजर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ इस फीलिंग के बाद तेरे साथ क्या होने वाला है। I can see the future. क्या बात कर रहे हो? Tell me ना। अरे क्या tell you? ये singer तो मैं ऐसे ही time pass के लिए हूँ ना। आजकल यही करता हूँ मैं। Fortune telling, मतलब future predict करना। क्या? Online यही काम है? अरे online नहीं, आप सही में future देख सकते हो क्या? अरे सब कुछ देख सकता हूँ। और मैं मुझे दिख रहा है कि तू ना ये रिश्तों की डोरी में लिपटता हुआ जा रहा है, पर एक नया रिश्ता बांधने वाला है तू अपनी जिंदगी में। I think you're in love. नहीं चीफ, ये फॉर्चून टेलिंग थोड़ा आपका खराब हो गया। ऐसा कुछ, मैं लव वव, मैं आपको तो पता है मैं कैसा हूँ। चलो मैं तो तुझे ये भी बता सकता हूँ कि वो लड़की इसी ऑफिस में। चीफ तो सब जानते हैं यार, उन्हें पता है कि मैं प्राची से प्यार करता हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ दिख तो रहा है, शक्ल दिख रही है लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूं। और एक नेम प्लेट है, पर नेम प्लेट के ऊपर नाम नहीं दिख रहा। हाँ पर कुछ दिख रहा है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, और ये भी दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम्स आएगी भी तो आप मंगल की पूजा करा के निकाल देना ना। अरे मंगल बुध शुक्र इस सबको मैं संभालूंगा, तो सबकी टेंशन मत ले, तू जाकर बात शुरू कर, बिकॉज एनी टाइम इज द राइट टाइम। There's never a right time, but there is always a right time. You understand what I'm saying? But आपको नहीं लगता अगर लड़की ने मना कर दिया तो? क्या यार तू? मैं ब्लव कर रहा था, तूने सच बता दिया। आप कब आप ब्लव कर रहे थे? मतलब वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे मंगल मंगल को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं प्रॉब्लम आने भी नहीं दूंगा, लेकिन तुझे आकर उसकी फैमिली से बात करनी होगी, और मैं बता रहा हूँ उसकी फैमिली की तरफ से यस ही यस होगा। क्या बात करो जी, बट आप कह रहे हो कि मैं अकेला जाऊं उसकी फैमिली से बात? और नहीं तो क्या? जाना पड़ेगा तुझे। आप बात बहुत अच्छे करते हो, एक काम करो ना, आप चलो ना मेरे साथ में आकर अपने आप से क्या बात। अपने आप से कैसे मतलब? मतलब मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलते जाता हूँ, कभी कभी मैं पागल हो जाता हूँ। मतलब ये है कि यू टू ब्रेक द आइस राइट, तो तुझे अगर फैमिली से बात करना होगा तो तू जाकर बात कर, बाकी मैं हूँ संभालने के लिए। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रपोज टू द गर्ल राइट, यू प्रपोज टू हर। चीफ आप पहले ध्यान से देखो मेरे को, मैं वो मना तो नहीं करेगी मुझे? देखो अभी इंडियन से चाइनीज क्या बन रहे मना नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ तुम लोग शादी होकर। पक्का ना? 100% गो, ऑल द बेस्ट। हसीना मान जाएगी शायद। चीफ ने हाँ बोल दिया, चीफ ने बोल दिया कि लड़की मान जाएगी, मेरा रिश्ता पक्का। मैं प्राची को लेकर आ रही हूँ। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? उसी में है ना ड्रेसेस?
हाँ, पहले कटिंग चाय पी के आते हैं। नहीं नहीं, पहले कपड़े देख लेते हैं, फिर से ऑफिस भी तो जाना है ना। और रणबीर पता है ना कैसा है, उसको स्टाफ नजर नहीं आया तो पूरा ऑफिस सर पे उठा लेगा, बच्चों की तरह रूट जाएगा। कार में तो है ही नहीं कुछ, दिखाऊंगी क्या? तो माया कर क्या रही है, चलने से क्यों नहीं आती? क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, कार। चलो ना। कहीं माया ने माइंड चेंज नहीं कर लिया, कहीं लास्ट मिनट भाग गई हो। मत कर यार। प्यार, सच्चा प्यार। यार अगर उसने मुझे मना कर दिया ना तो मैं मर जाऊंगा यार। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, अगर उसने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया ना तो मैं हंसते हंसते ले लूंगा। तू तो दोनों कैसे करेगा? हाँ, कर क्या रहा है? चुप हो जा, मैं ना तेरे को श्राप दे दूंगा। प्यार का श्राप? तो तुझे पता, तेरी लड़की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तुझे प्यार हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। नहीं, तू समझ नहीं रहा, लड़की ये बोलेगी कि आपकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उसको ये बता दूंगा जाके कि तेरी आज से पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई आज तक। तो इसमें बुराई क्या है? लड़की सोचेगी तू हैंडसम, अच्छा खासा दिखता है, तेरा एक बहुत हैंडसम ब्रदर भी है, तब भी तेरी गर्लफ्रेंड इतनी लेट। उसको लगेगा तू लड़का तो है पर तू वैसा वाला लड़का है। ऐसा वाला लड़का? वैसा वाला लड़का जो सिर्फ लड़कों में इंटरेस्टेड है। साले रणबीर, रणबीर क्या हुआ? I need to talk to you. There is a problem. What happened? Are you okay? एक काम करो, सुनो। Listen, come with me. I need to talk to you. अरे हम बाद में बात करते हैं ना, अभी मेरे को actually जाना है, तो मुझे घर पे फोन कर देना ना, अभी मैं जा रहा हूँ। रणबीर। What? It's about Prachi. चलो मेरे साथ। क्या हुआ? क्या बात करनी है प्राची के बारे में? रणबीर, Prachi is against you. Prachi again? क्या क्या बोलना क्या चाहते हो तुम? मैं, प्राची, जूही हम लोग बाहर गए थे चाय पीने के लिए, वहाँ पे हमने माया को देखा एंड सडनली देयर वाज अ ट्रैफिक एंड सब लोग हॉर्न बजा रहे थे, हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ एंड वी ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब तक प्राची माया के टुवर्ड्स भागी, शी लेफ्ट अस, शी जस्ट रश्ड आउट टू हर। प्राची ठीक है? उसको कुछ हुआ तो नहीं? एक्सीडेंट वगैरह तो कुछ नहीं हुआ? चुप क्यों हो गई, बोलो ना, इज शी ओके, इज शी फाइन? रणबीर, मैं यहाँ पे माया के बारे में बात कर रही हूँ, तुम प्राची पे क्यों फोकस कर रहे हो? जब तुमने मुझे बोला कि प्राची के बारे में बात करनी है तो प्राची पे फोकस करूंगा ना, तो मैं माया की बात क्यों सुनूं? लिसन रणबीर, पहले मेरी बात गौर से सुनो, उसके बाद अपने जवाब सवाल करना, समझे? मुझे तुमसे कोई सवाल जवाब करने भी नहीं, मुझे बस ये बताओ कि प्राची ठीक है कि नहीं। और क्या ये क्या स्टोरी बना रही हो, लिखे जा रही हो, क्या क्या हो गया? यहाँ क्यों लगी मुझे कहानी सुनाने के लिए? मैं खुद देख लूंगा। स्टॉप इट रणबीर, व्हाट? जस्ट लिसन टू मी, यू नो इट्स नॉट प्राची यू नीड टू वरी अबाउट। तुम्हें प्राची की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है किसकी टेंशन लेनी चाहिए? अपनी, बिकॉज शी इज अगेंस्ट यू। यस रणबीर, तुम मानो या ना मानो, आई रियली डोंट केयर, पर तुम्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। लिसन, प्राची माया की साइड चली गई है, आई सॉ दैट, प्राची ने माया को हक किया। रणबीर, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारे अगेंस्ट है और वो उस माया से मिल चुकी है। कभी अगेंस्ट नहीं हो सकती प्राची मेरे, कुछ नहीं सुन सकता रिया। Enough is enough. Ranbir, try to listen to me. अगर ये बात मैंने किसी और से सुनी होती ना, मैं तुम्हें कुछ कहती ही नहीं, मैं खुद नहीं मानती, पर ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी, please believe me. मैं तब भी believe नहीं करना चाहता, I'm so sorry. मैं जब अपनी आंखों से देखूंगा ना, मैं तब भी believe नहीं करूंगा. You know why? Because I trust Prachi. मैं तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रही हूँ, I'm telling you, Prachi बदल गई, वो तुम्हारे against चली गई, उसने अपनी साइड चेंज कर ली। She can't, she can never do that. प्राची कभी अपनी साइड नहीं बदल सकती, वो हमेशा से मेरी साइड पे थी, मेरी साइड पे है और मेरी साइड पे ही रहेगी। तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं? तुम मेरी बात समझो, मैं प्राची पे ट्रस्ट करता हूँ अपनी जान से भी ज्यादा। तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा ही नहीं। फाइन, तुम्हें प्राची पे भरोसा है ना, तो गो एंड आस्क कि वो किसकी साइड है। वो मेरी साइड ही है, वो मेरी साइड थी, वो मेरी साइड है, वो मेरी साइड रहेगी। तुम्हें पता है वो मेरे साथ कब खड़ी थी? जब कोई नहीं, पुलिस स्टेशन में मेरा साथ दिया, उसने मेरा ऑफिस में साथ दिया, उसने मेरा हर जगह साथ दिया, और तुम कह रही हो कि वो माया से मिल गई है। तुमने भी मेरा साथ दिया, नॉट सेइंग तुमने नहीं दिया, लेकिन तुम समझो ना, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो, तुम्हें तो पता है मैं कैसा। प्राची तो अभी आई है ना लाइफ में, उसका ट्रस्ट का लेवल देख रहे हो तुम। और चाहे तुम कुछ भी बना भी, कुछ भी बोलो, मैं मानूंगा नहीं, कुछ भी दिखाओ मुझे, कुछ भी बताओ, मैं मानूंगा ही नहीं, बिकॉज आई ट्रस्ट प्राची। करो ट्रस्ट, गुड फॉर यू, लेकिन मेरी बात ना सुनने की जो तुम गलती कर रहे हो ना, यू गोना रिग्रेट इट, अंडरस्टूड? I will regret it. ओ भाई, क्या चल रहा है? तुम लोग की आवाज बाहर तक आ रही थी, हो क्या रहा है?
मैं नहीं चाहती कि मैं नहीं सुसाइड करूं। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। साहब मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत इंसान को ले आए। मैं हूं क्यों? एक इंसान की असली पहचान उसके बिहेवियर से नहीं उसकी सोच से पता चलती, और मुझे रणबीर की सोच अच्छी तरह पता, लेकिन यहाँ ना तुम सबकी सोच क्या है ये पता चल रहा है। I'm sorry, I hate you. I'm really sorry. नहीं यार, तेरे पे गुस्सा नहीं हूँ ब्रो, नहीं मुझे राजी पे गुस्सा हुआ यार। लेकिन हम लोग सबको सिर्फ तू दिख रहा है, सबको। यार अगर तेरे प्रॉब्लम है ना रणबीर, तू घर चल, और प्राची से प्रॉब्लम है तो प्राची से बात कर, ये सब बकवास मत कर। मेरा फोन ही नहीं उठा रही, मैं कैसे बात करूँ? तो कल कॉलेज में जाके बात कर। पर ये जो आधी रात को घर से भाग जाता है ना, ये बंद कर यार। Everyone's worried. They're losing their mind over there, यार। चल रहा है या नहीं रणबीर? नहीं, मुझे नहीं जाना घर। तू नहीं चलेगा, तुम मर जा, मेरे को कोई फिक्र नहीं है, समझा? I don't give a damn. और मैं जाके सबको बोल दूंगा कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है जो किसी की फिक्र नहीं करता है। Selfish man. उसे लगा कि एक्चुअली वो एक इनोसेंट लड़के की जिंदगी खराब कर रही है, कि पहले रणबीर की वजह से माया परेशान थी और अब उसकी वजह से परेशान है। तो वो पुलिस स्टेशन गई और उसने अपने सारे स्टेटमेंट बदल दिए। मुझे आई एम सो हैप्पी, आई एम नो आइडिया, आई एम नो आइडिया। एंड देन लेटर रणबीर को पुलिस पकड़ने आई थी एंड आई सेव्ड द डे बिकॉज मैं डैड के पास गई, मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि प्राची रणबीर के अगेंस्ट जा रही है। तो डैड एंटीसिपेटरी बेल लेके आया और रणबीर को छुड़ा लिया। मतलब मैंने जब सारी बातें बताई तो डैड विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मेरी प्राची ऐसे कैसे कर सकती है, बट देन ही वाज लाइक ओ माय गॉड, क्या प्राची ऐसे कर सकती है? एंड पूजी के स्पॉट सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, दलजीत आंटी और पल्लवी आंटी सब लोग, दे हग मी, दे थैंक मी। दलजीत आंटी तो ये भी कह रही थी कि अगर रिया नहीं होती तो उनके रणबीर का क्या होता। ये तो होना ही था, बोला था ना मैंने। बट बूजी रणबीर ने मुझसे बात नहीं करी, मतलब वो चला गया वहां से, बट डैड ने भी कहा कि ही नीड्स स्पेस। सो अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त वो गुस्से में है, उसको खुद को रियलाइज नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। He always thought Prachi will be on his side. इस वक्त Prachi उसके against है। वो Prachi से गुस्सा तो है, लेकिन Prachi से प्यार भी बहुत करता है, इसलिए उसे अकेला रहने दो। But Bhuji, isn't it a right time that मैं रणबीर के पास जाऊँ, उसको support करूँ, उसे console करूँ, और फिर उसके साथ रहूँ, उसे realize हो कि मैं ही उसकी हूँ, and then ask him to move on. उसको कहूँगी कि Prachi को भूल जाया ना। No, गलती से भी ये गलती मत करना रिया। रणबीर ने खुद आके तुम्हें नहीं बताया है कि वो Prachi। Why don't you understand? तुम्हें खुद पता चला है वो प्राची के लिए कैसा फील करता है। He's not confided in you. तो तुम ये गलती मत करना, उसके पास मत जाना, और अगर तुमने गलती से भी जाकर उसे बोला कि प्राची को भूल जाओ, it might go against you. तो मैं क्या करूं? जैसा है वैसा ही रहने दो, just be with him. कुछ मत करो, कुछ मत कहो, उसको अपने ख्यालों में रहने दो, उसको सोचने दो कि जिस प्राची की वो इतनी तारीफ करता है, जिससे इतना प्यार करता है, वो उसके अगेंस्ट चली गई, लेकिन तुम उसके साथ खड़ी हो। बी विद हिम, उसे रियलाइज कराओ कि तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है, हाउ मच यू केयर अबाउट हिम। तुम उसके फेवर में हो, उसके साथ हो, उसको सपोर्ट करती हो, और वो प्राची प्राची रणबीर के अगेंस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सब में तुम्हें रणबीर को रियलाइज नहीं करवाना है कि प्राची उसके लिए कितनी बुरी है, उसे खुद रियलाइज होना चाहिए।
जब वो दोनों को साथ में देखेगा, पास में देखेगा, तो उसे रियलाइज होगा कि तुम कितनी अच्छी हो और वो प्राची कितनी बुरी उसके लिए। He's gonna realize it himself. You just wait and watch. पक्का हो मेरा होगा। 200%. Yeah, I feel like I'm saying yeah. It's mine. Happy? Oh my God, I'm so happy. Yes, because finally Ranveer is my. रणवीर इज माई फ्रेंड और वो बच गया है, पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया और he just got saved. Can you imagine? I'm so happy. We're safe. तुम्हें इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I love it when you are happy. तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. तुमने टाइम पर अपने डैड से बात की बेल के बारे में एंड उसकी वजह से रणवीर गॉट आउट. इसमें तुम्हारी मेच्योरिटी दिखती है और तुमने ये बात उसके पेरेंट्स से नहीं की बिकॉज तुम उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी. पल्लवी जी कह रही थी यू आर सो थॉटफुल. So sweet of you. I'm so proud of you. Thank you. Riya, time बहुत हो गया, जाकर सो जाओ, कल college भी जाना है तुम्हें. Good night, love you. Okay, मैं ठीक हूँ. ओए इधर आ. तेरे बाप ने तुझे चलना सिखाया ना, तुझे गिर कर संभलना मैं सिखाऊंगा. वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा ब्रज, मैं सच कह रही हूँ. मैं अभी अचानक रास्ते में उससे टकरा गई. वो बार बार यही कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया. वो नशे में था, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं. वो उसकी आंखों में उसकी सच्चाई नजर आ रही थी प्राची. मैं कह रही हूँ ना, वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा, वो बेकसूर है. तो एक बार उससे बात करके देखना. मैंने बात कर ली है, मैंने माया से बात कर ली, उसकी बात सुनी है. उसके साथ गलत हुआ है माँ, और मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगी और उसे इंसाफ दिला के रहूंगी. प्राची, तूने उससे बात की होगी लेकिन तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुझसे कह रही हूँ ना, मैंने रणबीर. मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी. ठीक से जाना. क्या सोचा आपने? वो झूठ बोल रही है और इस झूठ के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है. जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे कोई वजह मैं नहीं जानती क्या, लेकिन है. और जितना बड़ा झूठ है ना, तो उसकी वजह भी उतनी ही बड़ी होगी. सब पानी में चला जाता और हमारी बाजी पलट जाती. दफा. बाजी तो मैं पलट के आई हूँ, अब बस उसे जीतना बाकी है. उसके घर में ना सब लोग रणबीर के अगेंस्ट हैं. थैंक्स टू मी, मेरी एक्टिंग, मेरे नकली आंसू ने ऐसा इफेक्ट डाला है ना कि अगर मैं उधर और थोड़ा देर रुकती ना तो सबके सब रोने. बस प्राची की मॉम मेरी अगेंस्ट थी, बट प्राची ने बोल दिया कि मैं तो माया को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, फिर चाहे कोई साथ दे या ना दे. और उसके बाद ना मुझे यकीन हो गया कि बॉलीवुड में मेरा अच्छा करियर है. के साथ है? अरे सही सही बता ना, बात किया है तू किसके साथ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों किसके साथ है? जब मैं माया को विक्टिम मान रही थी तो रणबीर का साथ देके आप मुझे डांट रही थी. अब माया से मिलने के बाद आप रणबीर पे गुस्सा कर रही हैं. आप पहले डिसाइड कर लो आप किसके साथ. प्राची, तो मुझे पहले बताइए ये सब क्या हो रहा है. माया ने खुदकुशी करने की कोशिश की. मेरी ऑफिस वाली सड़क पे ऐसे बीच रास्ते में चल रही थी, वहां से बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, वो तो मैंने एंड टाइम पे उसको खींच लिया और उसकी जान बचा ली. आपको पता उसने क्या कहा? उसने ऐसा करने के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया. मैंने रणबीर से बात करने की कोशिश की, इसीलिए आपको बता रही हूँ. उसे भी कल बता दूंगी. कल क्यों? कल का इंतजार ही क्यों करना? तो फोन उठा, उससे बात कर चल. वो बहुत गुस्सा है मुझसे.
गुस्सा तो होगा ना, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तुम दोनों के बीच में, उसे दूर करने में देर मत करना, जल्दी से बात कर ले। ऑफ कोर्स जल्दी, मुझसे ज्यादा जल्दी किसी होगी, एक कहानी सबका गुस्सा सह रही हूँ। कभी कभी सच का साथ देने के लिए ऐसी कीमत चुकानी पड़ती, तू सही करे, जब तुझे सही लगे तो बता दे। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनना। I love you bro। अरे I know बाबा। फिर वही जवाब। हाँ हाँ I love you यार। I'm sorry, वो आर्यन बार बार आई लव यू बोल रहा था तो मैं उसको बोल रहा था। कम ना प्लीज सिट। आर्यन ट्रस्ट यू, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पे फर्स्ट डे पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए था। I'm such a fool, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। सॉरी यार, सॉरी। मिस्टर केयर, लाइ डाउन एंड स्लीप। कोई बात नहीं। यही तो मैं चाहती थी। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, कि जो तुम्हारा प्राची पे ट्रस्ट था वो तुम अब मुझ पे करो, उससे दूर करके मुझे अपने करीब लेके आओ। एंड दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। आई लव यू रणबीर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग वाला हक क्यों मिला मुझे आज? क्योंकि तू दुनिया की बेस्ट बेटी है। इतनी समझदार हो गई है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को तू इतनी इतनी समझदारी से सॉल्व कर रही है। मेरी बेटी इतनी सुंदर है और इतनी सयानी हो गई, मुझे पता नहीं था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, इतनी तारीफ करूंगी। अब जा, जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जा। सुबह सुबह जब आपका चेहरा देखती ना, सबसे पहले दिन बहुत अच्छा जाता है मेरा। आपका चेहरा मेरे लिए लकी है। देखना, बहुत सारी आदतें उसकी तरह, ऐसा लगता है तुझमें थोड़ी कियारा भी है, या फिर कियारा तेरे रूप में मेरे पास वापस आ गई। बात ही नहीं करूंगी ज्यादा, तू जल्दी कॉलेज जा। कॉलेज जाके रणवीर को बता कि तू उसके साथ है। उसे पता चलेगा कि तू उसके साथ है, उसकी हिम्मत बढ़ेगी ना। बहुत गलत हो रहा है उसके साथ, कुछ सही भी होना चाहिए। रणबीर के बच्चे को फोन करती हूँ। थैंक यू। मेरी कार खराब हो गई थी, बट ऑल्सो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हें अच्छे से पता था ना कि मैं अकेला हो जाऊंगा, इसलिए साथ में आई हो तुम मेरे। छूटी, तुम्हें बच्चा लगता हूँ मैं। सिर्फ इतना ही नहीं रणबीर, यू नो माई फीलिंग्स फॉर यू। वेल आई एम सो सॉरी। थैंक्स, तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम मेरे साथ आई। यहाँ पे तो आधे लोगों को ये लगता है कि मैं मोलेस्टर हूँ। रणबीर मुझे तुमसे बात करनी है। रणबीर, क्या तुम्हें उससे कोई बात नहीं करनी? नहीं। रणबीर, अकेले घर मत जाना, हम दोनों साथ में चलेंगे। ओके एंड टेक केयर। रणबीर ऐसा लगता है कि सब खराब हो गया, ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे सर पे गिर रहा है, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देख यार,
I won't tell you to take it easy because I know you're hurt. और मेरे बोलने से तेरा दर्द कम नहीं होगा यार, but Ranveer, you need to understand यार. You have to take care of yourself. You have to pull yourself together यार. कब तक ऐसा चलेगा? You need to take control of things, bro. कैसे यार, इन कैसे करूँ? नहीं हो पा रहा है मेरे से यार. Trust me, मैं try कर रहा हूँ, but कैसे? How यार? कुछ मत बोलना, समझा? नहीं बोलना प्राची के बारे में, मार दूँ प्राची के बारे में, कुछ बोलना ना अपनी घटिया ज़बान से, मैं तुझे जान से मार दूँगा, क्या करूँगा? जान से मार दूँगा, जान से मार दूँगा, जी सबको बता, अगर तूने प्राची के बारे में कुछ बोला तो मैं क्या करूँगा? जान से मार दूँगा, जान से मार दूँगा, प्राची ने कुछ भी बोले वो मेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है, समझा? सॉरी यार, गेट लॉस्ट, चल रणवीर यार, छोड़ इसको, छोड़, निकल, आइंदा हम लोग आजू आजू दिखना नहीं, चल, छोड़, चल, निकल, निकल रे छोड़, मुंह से कभी बोली हो तो उसके बारे में, चल चल यार तू मेरे साथ चल, चल तू इधर आ, छोड़ना उसको, पागल हो गया है क्या? बात करता रहता है, चल तू चल अंदर यार, आ रे यार, यार इतना गुस्सा, प्रॉब्लम क्या है प्राची की? हाँ वो समझती क्या है अपने आप को? नहीं मुझे एक बात बताना, अगर उसे यही सब करना था तो उसने पुलिस स्टेशन और ऑफिस में ये क्यों कहा कि रणवीर बहुत अच्छा लड़का है? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ प्राची को कह देना कि मेरे सामने कभी नहीं आया, क्योंकि अगर वो मेरे सामने आई ना तो मेरे को पता नहीं मैं क्या कर दूंगा उसको। चुप चुप हो जाओ, बहुत बोलिए तुम, बोले ही जा रहे हो, मैं कुछ नहीं बोली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलते ही जाओगे, बोलने की प्रैक्टिस की क्या तुमने? ए शाहना, मेरे साथ ऐसी बात नहीं करना। आर्यन भाची माया के साथ नहीं है, वो रणवीर के साथ है। What? आंखों में देखो। क्यों देखो मैं तुम्हारी आंखों? मेरी माँ कहती है अगर तुम्हें लगे कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो एक बार उसकी आंखों में देख लेना चाहिए, अगर वो इंसान बिना पलके झपकाए बोल सकता है तो समझ जाना चाहिए वो सच बोल रहा है। देखो मेरी आंखों में रणवीर, आई बिलीव इन यू, ट्रस्ट यू, मुझे तुम पे भरोसा है, मैं जानती हूँ तुमने माया को मोलेस्ट नहीं किया, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, और उससे भी बड़ी बात मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हें पता है माया ने क्या किया ऑफिस के बाहर ना, ताकि अगर उसकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, प्लानिंग हो, कोई भी घटिया चीज हो, उसे मैं तुम्हें बचा सकूं, तुम्हें वार्न कर सकूं, इसीलिए मुझे ये करना। आई एम अगेन सॉरी फॉर दैट रणवीर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हें पता है मैं तुम थैंक यू क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुमने मुझ पे भरोसा किया, तुमने मुझे मुझ पे अपना फेथ दिखाया, थैंक यू। तुम कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं लग रहे हो अभी? हाँ बहुत समझदार हो गया हूँ मैं, मेरी मम्मी भी यही बोलती, मम्मी से याद आया। Hi guys, oye, hey. Hi. Hello. कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, बट ये बताओ तुम बड़े खुश लग रहे हो। मैं खुश? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हुआ खुश? आज तो मुझे इनफैक्ट ये रियलाइज हुआ है कि मेरे साथ कौन खड़े रहेंगे और कौन मेरे सच्चे। तो बताए फीलिंग कैसी है? ऐसा होता ना कि लाइफ में तुम्हें एक चीज चाहिए और वो ही मिल जाए, इमेजिन बहुत अच्छी फीलिंग है यार, मतलब खुशी खुशी ना कण कण ऐसा वाइब्रेट कर रहा है मेरा। एनीवे सी यू गाइस, बाय, टेक केयर, बाय, सी या, बाय। Soon we'll be out of this mess, I know. क्या क्या बोला तुमने? मैंने सुना नहीं। Where are you lost, woman? Listen, I'm saying प्राची को जितना अपने साइड रख सकते हो रखो, because अगर वो हमारी साइड रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझी तुम? And तुम्हारी जो भी उससे बात होना प्लीज लेट मी नो, मुझे बताना बाद में। Yeah, of course. Listen. No worry, आगे का प्लान भी अच्छा ही जाएगा, और सब मेरे साथ ही है, मुझे सिंपैथी मिल रही है, रणवीर तो सबकी नजरों में आ ही गया है। अच्छा लिसन ना, आई टॉक टू यू लेटर, प्राची क्लास में आ गई आई थिंक। ओके ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय। नहीं रहा तो लव लाइफ कैसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब किसका बॉयफ्रेंड चुराओगे? मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं चुराया था। तुमने चुराया है, तुमने उसे बताया कि हम दोनों मनाली ट्रिप बना रहे हैं, और तुमने उसे कोई डेट दी, जब वो मनाली आया तो तुमने ये बहाना बनाया था तुम्हारी तबीयत खराब है,
और उसी की गाड़ी में बैठकर तुम उसके साथ दिल्ली चले गए। और क्या, रास्ते में उसे फंसा लिया? तुमने मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छीन लिया। तुम मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर तुम पर भरोसा किया, और तुमने क्या किया, तुमने मेरा ही बॉयफ्रेंड मुझसे छीन लिया। Answer my question, तुम किसी से प्यार करते हो कि नहीं? नहीं। किसी से तो प्यार करते होगे? मॉम। काहे? Stupid, I love my mom. Oh, good. तो तुम्हें तुम्हारी मॉम की कसम, तुम किसी को नहीं बताओगी कि प्राची रणवीर के साथ है? Are you mad? अरे यार, ये कब से लगा रखा है, माँ की कसम खा लो, प्यार करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम्हें लगता है मैं किसी को बताऊंगा? I won't ever tell anyone. Fact. अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होती ना, तो मैं कभी तुम्हें ये नहीं बताता कि प्राची रणबीर को हेल्प कर रही है। एक तुम ही हो जो ट्रस्ट के लायक नहीं हो। You know why? Because you're a cheater. मैं चीटर नहीं हूँ। रणबीर के भाई के साथ क्यों बैठी है? तुम्हें नहीं लगता कि उसे उधर नहीं होना चाहिए? तुमने देखा क्या? क्या रणबीर यहाँ से गया? व्हाट? रणबीर ऐसे प्रिटेंड कर रहा था एज इफ हम लोग यहाँ पे हो ही ना। तुम ना अपनी बहन के पास जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ, वो हमारी साइड है ना। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाती हूँ और उसे ले आती हूँ, ठीक है? तुम यहीं बैठो, आई जस्ट कम। प्राची, मैं, मेरी एक ही बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कोई भाई नहीं बनाना अपनी लाइफ में। वेरी गुड, ये तेरी बुक है ना, ले ले, इनके साथ शेयर मत करना अपनी बुक, ठीक है? एंड यू टू स्टे अवे फ्रॉम माय सिस्टर, ओके? ओके। चल, तेरा बुक है ना, चुप। Don't share your books with these people. मैं लेकर आई इसको डांट के। अच्छा तो तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। बाय। तुम प्राची को बोलो ना कि मेरी हेल्प करे। यहीं कहीं आई थी, इसी फ्लोर पे। आई थिंक इसी क्लासरूम में गई थी। माया और वो लड़की लड़ रहे थे, मुझे देखते ही चुप हो गए। मतलब ऐसा कुछ है जो माया नहीं चाहती मुझे पता चले। माया तो बताएगी नहीं, वो लड़की बता सकती है शायद। कहाँ ढूंढूं उसे? मैं प्राची हूँ। माया के मॉलेस्टेशन केस में मैंने ही उसकी हेल्प की थी। हाँ तो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुम माया की फ्रेंड हो ना, उसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना है। आई हेट हर, दुश्मन है वो मेरी, और तुम भी मेरी दुश्मन ही हुई। फ्रेंड है ना वो तुम्हारी? एनीवेज, अब तुमने मुझे रोक ही लिया है तो उससे जाकर इतनी बात जरूर कह देना, मैं अपना बदला उससे जरूर लूंगी। बस मुझे एक मौका चाहिए। और वो मौका यार, हम लोगों को नहीं पड़ी है तो तू इतना क्यों सोच रही है? और ये कैंटीन है, कोई भी आ जा सकता है, और हमें किसी के बाप का डर नहीं है। एग्जैक्टली, प्राची कुछ भी करे, उसे कहीं भी घुमाए, बाहर रखे, हमारे मुंह के सामने बिठा दे, हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए? Exactly. I'm not scared or anything. प्राची को माया ऐसे अकेले नहीं छोड़नी चाहिए थी, रणबीर के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी भी क्या अर्जेंसी? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पर प्राची, बाद में शाहना, मुझे माया से बात करनी है। चलो चलो। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया रणबीर में? कल रात तक तो कुछ और था, सुबह वैसे ही था जैसा होना चाहिए था, पर अभी क्या है ना माया, मैं तो उसी वक्त वहां से चली गई थी ना, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? पर देखो माया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऑब्वियसली यू नो दैट। मैं गवाही तभी दे सकती हूँ, मतलब मेरी गवाही का मतलब तभी होगा जब वो जो सलोनी है वो इस पिक्चर से हट जाएगी, तो यू प्लीज डू समथिंग। हाँ ठीक है, पर तुम ये बात ना अपने तक ही रखना, किसी को बताना मत। मैं बात करती हूँ उससे कि वो ऐसा क्यों कर रही है।
बाय, टेक केयर। लगता है काम हो गया, मछली जाल में फंस रही है। रिया, मुझे घर पे मिलो जल्दी। तो मुझे बुला रही थी, ठीक है? तो मैं उसके बाद से बात करने जा रहा हूँ, और तू शाना को ड्रॉप कर दियो। अब ठीक है, कर दूंगा। चल, सी यू, बाय बाय। तुम इस टेबल पे आ गए। अगर तुम यहाँ नहीं आती ना तो मैं वहां आ जाता। वो जो सलोनी है वो इस मॉलेस्टेशन केस में हमारी हेल्प करने वाली है। सलोनी हमें मॉलेस्टेशन केस में हेल्प करने वाली है? हाँ। सलोनी क्यों हेल्प करेगी हमें? एक्चुअली देखा जाए तो वो हेल्प नहीं करेगी, उसको कुछ अपना पर्सनल बदला लेना है माया से। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे? मुझे बोले तो तुम ना? तो बताओ कि तो क्या है कि वो सलोनी जो है वो जाके पुलिस में स्टेटमेंट देगी कि जो मॉलेस्टेशन हुआ था, मतलब सपोजेडली तुमने जो माया को मॉलेस्ट किया था, माया को मॉलेस्ट नहीं किया था, तुमने सलोनी को मॉलेस्ट किया था। What? एक और मॉलेस्टेशन का केस? सुनो तो। नो 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 नो, मुझे 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 नहीं 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 नहीं, मॉलेस्टेशन का केस एक और नहीं। क्या 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 क्या, सीरियसली क्यों ले लिया मेरे को? मैं मजाक कर रहा था। किसे बात कर रहे हो? अपने दोस्त से? नहीं, भगवान से बात कर रहा हूँ ना। उसी वक्त सलोनी का भी मॉलेस्टेशन हुआ था उसी वेन्यू पे। बड़ा थोड़ी है, टाइम और वेन्यू का क्या मतलब है इससे? पूरी बात नहीं सुन रहे हो, एकदम चुप। फिक्र होने लगे। सुनो सुनो, तो माया ने फेक मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगाए तुम पे, सही है? तो अब सलोनी ने अगर ये प्रूव कर दिया कि उसी वक्त उसी जगह पे माया का नहीं उसका, मतलब सलोनी का मॉलेस्टेशन हुआ था और वो तुमने किया था, तो माया तो अपने आप झूठी साबित होगी ना। शिल्पी शिल्पी लाया, मतलब इट विल बी प्रूवन। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हो? खतरनाक हो गई हो तुम, वेरी गुड। वो तो यहाँ आके हुई हो। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा, मैंने तो आंखों पे पट्टी बांध के गुंडों को धूल चटाई है। पुलिस स्टेशन ड्रामा चाहिए जिसमें प्राची और उसकी मॉम रणबीर से नफरत करने लगे। तुम जाकर रणबीर को इनोसेंट प्रूव कर दो और रणबीर प्राची से नफरत करने लग जाए, बस दैट्स इट। लेकिन ये सब करने के बीच में ये नया बखेड़ा कहां से खड़ा हो गया? आई जस्ट डोंट, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? आई हैव एन आईडिया। व्हाट? मनी। उस जैसी मिडिल क्लास लड़की को तो पैसे चाहिए होंगे ना, तो हम उसे पैसे देते जाएंगे और वो अपना मुंह बंद रखेगी। एज यू नो, मनी इज टाइम। ठीक है, मैं सुबह तक कुछ अरेंजमेंट करती हूँ, बट यू विल नॉट बी गोइंग फॉर दिस। जो भी करूंगी मैं करूंगी ताकि किसी को कुछ भी शक ना हो। बेस्ट दाल बनी होगी आई एम श्योर, और दाल बेस्ट इसलिए बनी होगी क्योंकि दाल तड़का में जो प्याज टमाटर पड़ा था वो मैंने काटे थे। और प्राची, तो मान या ना मान, बच्चों पे अत्याचार हुआ है, उनसे काम करवाया गया, बाल मजदूरी हुई है और उनके हाथों से किताबें छीन कर ये करछी और चाकू पकड़ाई गई है। कौन बच्चे, कहाँ है बच्चे? हम बच्चे, हम छोटे बच्चे, हम पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हमें ना पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए सरिता आंटी के खिलाफ। पर मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि आंटी ना हमसे अपना केटरिंग बिजनेस करवाने के लिए मजदूरी करवाना चाहती है। मुझे कुछ लगी है मेरी आंख में कि प्राची ने पहली बार कुछ बनाया है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी प्राची हर काम में एक्सपर्ट है। क्या कर रही है? प्राची ने पहली बार दाल बनाई है ना, ये मैं अभी आती हूँ। मुझे तू नहीं डाली ना, ज्यादा डाली है। फोन ही नहीं लग रहा, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। हुआ क्या है? ना कॉल लग रही है, ना वो कॉल बैक कर रहे हैं। तो आप उम्मीद छोड़ देते हो कि नहीं मिलने नहीं वाला, कभी नहीं मिला। अच्छा अच्छा, और वो एकदम से मिल जाए, वो भी बहुत सारा, तो वो खुशी ना बिलीव नहीं होती। मेरे पे किसी को ट्रस्ट नहीं था, मतलब ऑब्वियसली घर वालों को छोड़ के बाहर वाला कोई मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। बट दिस वन पर्सन, एक इंसान ने ना मुझ पे ट्रस्ट दिखा के सब बदल दिया। सो हैप्पी, आई एम सो सैटिस्फाइड, यू हैव नो आइडिया। रणबीर रिया की बात कर रहा है, बाहर सब इसके अगेंस्ट थे पर रिया ने अपना ट्रस्ट दिखा के उसकी बेल करवाई थी। My daughter really wants to prove his innocence.
क्योंकि वो रणबीर से प्यार करती है। तो ये स्पेशल इंसान का कोई स्पेशल नाम भी होगा। Excuse me, have fun, guys. Yeah. Hi. What's up? Nothing, yeah, बस ऐसे। रात को क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसी casual बात है इधर उधर की। रिया, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। Looking very pretty, by the way. Thank you. See ya. Bye. इस लड़के का behavior हर बात पे change होता रहता है। But I really like him. जी को फोन करते। हेलो बूजी, आप कहाँ पहुँचे? ओके, बाय। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मेरे भी कैबिन का ज्योग्राफी चेंज कर दो ना। आई मीन डू समथिंग। अरे फ्री में थोड़ी काम करवाऊंगा बेटी, और डिस्काउंट तो दोगी ना? नहीं दूंगी डिस्काउंट। आई श्योर? नहीं दूंगी पूरे पैसे। फाइन देन, हैव अ गुड डे गाइस। गुड डे, बाय। Come on, Ria. Let's go. आलिया और रिया मुझसे झूठ बोल रहे हैं, वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। चल क्या रहे दोनों के बीच? तू ऐसे कपड़े क्यों पहनती? क्यों? मतलब तो तुम्हारे कपड़ों का कलर अच्छा नहीं लगा मेरे को, यू नो, कुछ और होना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारे लिए पहना भी नहीं। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है वैसे? नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये बताया ना तो पूछोगे तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है, फेवरेट गाना कौन सा है, इसलिए नहीं बताऊंगी। कम ऑन, बताओ ना प्लीज। नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। मैं भी नहीं बताऊंगा। मत बताओ, मैंने पूछा भी। सीट बेल्ट क्यों नहीं पहने? सीट बेल्ट पहने। अरे यार, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पसंद है क्या तुम्हें? सीट बेल्ट, शट अप, सेफ्टी के लिए। चलो ठीक है मैडम, सीट बेल्ट रेडी सेफ। मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ, मतलब मैं कोई बहाना कर दूंगी जिससे मैं उसके साथ पूरा दिन रह सकूं और देख सकूं ना उसकी अगली मूव क्या है। ओह, नॉट बैड, वेरी स्मार्ट। बाय द वे, वो जो रॉक कॉन्सर्ट वाला था वो भी एक सार्केज्म था। वो तुम ऑब्वियसली नहीं समझोगी, आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा वाला स्मार्ट दिमाग नहीं है, है ना? रियली? रियली, यस। एंड बाय द वे, अच्छा हुआ ना तुम्हारी तरह दिमाग नहीं है मेरे पास। क्या है ना, ऐसा दिमाग भगवान तुम्हारे जैसे लड़कों को ही देते हैं जो ट्यूबलाइट की तरह चले। मुझे ऐसे दिमाग का कोई फायदा नहीं। आई एम स्मार्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और तुम इधर उधर क्या देखो? सामने देखो, सामने सड़क है, ड्राइव कर रहे हो ना। अरे तुम्हारा क्या पुलिस ऑफिसर बनने का सपना था क्या? हर बात में मुझे ताने देती रहती हो, कभी गाड़ी आराम चलाओ, कभी सीट बेल्ट पहनो। ये मत देखो, आगे देखो। उसने मुझे देखा नहीं है। तुमने उसे बताया तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैं जल्दबाजी में भूल गया उसको बताना। इट्स ओके, अब बताना भी मत। जैसे सिग्नल ग्रीन हो जल्दी से निकल लो। हाँ ठीक है। आज उनके मॉम डैड ना देखे, तुम वैसी लग रही थी अभी। पर प्राची, वैसे ये एक्स गर्लफ्रेंड वाली बात बहुत पहले की, बहुत पहले, जब मैं बैड बॉय हुआ करता था ना तब। अब ऐसा कुछ नहीं। बैड बॉय? हाँ, और पता है क्या होता था एक्चुअली? मुझे नहीं पता। तुम आगे देखो, सामने देखो, गाड़ी चला रहे हो ना। तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि मेरी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड रही थी या मैं कितना बैड बॉय था? जी नहीं, मैं माया के बारे में सोच रही हूँ। ये सोच रही हूँ कि वो क्या सोच रही होगी, क्या करने वाली होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। थोड़ा सा सुकून। एंड बाय द वे, मैं ना तुम्हें ये बताने नहीं आई थी कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। मैं तुमसे डील करने आई हूँ। कैसी डील? यही, तुम ये सब मत करो और तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पैसे? ऑलराइट, 1 लाख। अगर मुझे 12 बजे तक 1 लाख नहीं मिले ना तो 12:15 पर मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। देखा, मैं तुम्हें कितने अच्छे से जानती हूँ। मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे 12 बजे तक।
माया ने सलोनी को पैसे ऑफर किए कि वो तुम पे केस ना करे, और सलोनी ने बहुत स्मार्टली उसे कह दिया है कि अगर उसे 12 बजे तक पैसे नहीं मिले तो वो पुलिस स्टेशन चली जाएगी और स्टेटमेंट दे देगी। मैं काम करती हूँ, मैं ना माया के घर चली जाती हूँ, मैं उसे चिपके रहूंगी, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो मे भी इरिटेट हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि मैं उसके साथ रहूंगी ना हर वक्त, या मे भी गुस्सा नहीं होगी, मुझे नहीं पता, बट किसी तरह वो सलोनी को पैसे देने ही जाएगी। और तुम सलोनी के घर पे रहोगे, तुम ना अलर्ट रहना, उनकी वीडियो बना लेना, वीडियो में वो शायद बोलेगी कि ये पैसे लो, रणबीर पे केस मत करो, व्हाटएवर, या शायद ना भी बोले, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल जाएगा ना कि माया सलोनी को पैसे ऑफर कर रही है। बस इतना सबूत काफी है पुलिस के लिए, माया का खेल खत्म, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हम चले जाएंगे, पर तुम पैसे लाइयो। पैसे लाइयो, लेकिन तुम्हारे वाले पैसे, उस सलोनी के पैसे नहीं लाइयो। माया, राजीव, तुम्हारा ही घर है ना, मुझे लगा गलत एड्रेस पे तो नहीं पहुंच गई। तुम थैंक्स फॉर कमिंग। तुम क्यों आई हो, मतलब तुम मुझसे मिलने आई हो? हाँ, तुम इतना जोर से क्या डस कर रही हो? कौन छुपा हुआ है? प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। ये लो ना पानी, वो पानी पुराना है, ये लो ना प्राची, पानी। मुझे शक था कि तुम्हारे साथ कोई और भी है, आज यकीन हो गया माया, कोई तो था यहाँ जो मुझे देखते ही छुप गया। अब पियो ना। क्या हुआ? हाय राज, तुम मेरा पीछा कर रहे हो या अपन लोगों से बार बार मिलने की कसम खा रखी है? नहीं, जब जब तुम्हारी गाड़ी ऐसे बार बार खराब होती रहेगी तो किसी को तो बार बार आ रहा है ना बचाने के लिए। आई डोंट नो मैन, आई थिंक इसे गैराज लेके जाना पड़ेगा। तुम गैराज जा रही हो? आई गेस आई थिंक घर के रास्ते में एक गैराज है। यू वांट मी टू ड्रॉप यू? हां एक्चुअली यू कैन। नो एक्चुअली आई एम अ बिग गर्ल नाउ सो आई कैन मैनेज। I'll go. Thank you. ठीक है। So we shall meet again, okay? Bye. इसी रोड पे। See you. Bye. माया जरूर उसी को फोन कर रही होगी जिसके साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया है। उसी से पैसे लेके सलोनी को देगी ताकि वो पुलिस कंप्लेन ना करे। Very smart माया। एक सेकंड। What if वही इंसान पैसे लेके सलोनी के घर जा रहा हो? रणबीर वहीं पे है, अगर रणबीर उसका चेहरा देख ले ना तो बस काम हो जाए, काम हो जाए। सलोनी, मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। आई मीन जो तुम हमारे लिए कर रही हो वो बहुत बहुत स्पेशल है। मैंने किसी को नहीं देखा कोई ऐसा करता है किसी के लिए, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि कोई फेक चार्ज के लिए कोई थैंक यू बोलेगा। बट एनीवे, मैं ना अपने फोन से वो जो इंसान जो आने वाला है उसकी वीडियो बनाऊंगा। ट्राई करती हूँ। बार बार एक रिंग पे क्यों कट हो रहा? पूरब को फोन करती हूँ। क्या पता वो ही मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, वरना एक मैसेज तो करते, इतनी बार कॉल किया कॉल बैक करते। नहीं करनी होगी मुझसे बात। दूध, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आलिया ने क्यों कहा कि वो अपना कैबिन रिया से रेनोवेट करवाने वाली है?
उसने झूठ क्यों बोला होगा कि उसने रिया को इतना कैश दिया? केविन के लिए नहीं थे तो किस काम के लिए रिया को इतने पैसे चाहिए? सोच क्या रहा हूं, जाके पता लगाता हूं रिया से कि वो कर क्या रही। इसने मेरी शक्ल देख ली और ये मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, पर क्या करती, लेना ही था। मैं यहाँ इसे पैसे देने नहीं आती तो पुलिस स्टेशन जाकर रणबीर के अगेंस्ट कंप्लेन कर देती, फिर मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाता। आज अभी इसे संभाल लेती हूँ, कल देख लूंगी। और उसे उस प्राची ने भेजा। प्राची रणबीर के अगेंस्ट नहीं है, वो उसके साथ है। रणबीर, प्राची, सलोनी, ये तीनों मिले हुए हैं। सलोनी कोई चार्जेस नहीं लगाने वाली थी, ये सब सबूत इकट्ठा कर रहे थे। ये सब एक झूठ, एक प्लान है, हमें फंसाने के लिए सब ड्रामा किया गया है। अगर प्राची ने माया को फंसाया और माया के साथ साथ मैं भी फंस, नो, माया को अपने मुंह से कुछ बोल ना दे, उसके मुंह से कुछ निकल ना जाए, सब एक्सपोज हो रहा है। मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। आई होप मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, हो सकता है वो झूठ बोलती हूँ पैसों के लिए मेरी तरह। मेरा मतलब है, हो सकता है वो पैसों के लिए कर रही हो, पर मैं तो जस्टिस के लिए कर रही हूँ ना, और मेरी तरह थोड़ी ना कोई विक्टिम होता है। I know, I completely understand Maya, and I'm really sorry, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना सलोनी के लिए। I completely believe in you, और तुम बिल्कुल सही हो, जस्टिस तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। अच्छा अब देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। माया के साथ एक और लड़की थी, मुझे मिल नहीं रही है, मैं तब से ढूंढ रहा हूँ उसको। वही लड़की है जो सलोनी को पैसे देने आई थी। She's too smart यार, too smart। तुम्हें पता है वो माया के घर के अंदर भी नहीं घुसी, और बाहर आते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया यार, वो मेरी आंखों से निकल गई, मैं उसकी वीडियो भी नहीं बना पाया। I'm so sorry। Don't worry, मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया है माया के खिलाफ कि उसने सब कुछ पैसे के लिए किया है। फिर से बोलना, क्या कर रही थी वो? मैंने माया के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया है कि उसने तुम्हें पैसे के लिए फंसाया था। वेरी गुड। तुम अभी 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 किधर हो तुम? मैं बस घर आ रही हूँ। अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ, मैं ऑटो ले रही हूँ। बाय। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मिलता हूँ। बाय। ओके बाय। दिया वका का फोन लग गया। माया? हाँ माया। प्राची, वो तुम ना भूल गई, इयररिंग्स भूल गई अपनी मेरे घर पे। कहाँ पहुंची हो तुम? मैं अभी जनपद क्रॉस कर रही हूँ। ओह अच्छा, नो प्रॉब्लम। और हाँ, मेरी इयररिंग्स तो मेरे पास है, तुम्हें किसी और की इयररिंग्स मिल गई होंगी। ओह अच्छा, तुम्हारी नहीं है? सॉरी हाँ, डिस्टर्ब किया तुम्हें। लिसन, थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी। और सलोनी जो कर रही है ना, उसे करने दो। हम तो सच के साथ है ना, तो केस हम ही जीतेंगे। ओके बाय बाय। अजीब है ये, या कुछ तो कर रही है जिसमें आलिया उसके साथ है, वरना इतने पैसे, देयर इज अ लिमिट फॉर मनी। और रिया कभी इतने पैसे बिना पूछे नहीं लेती, और मुझसे इसलिए नहीं मांगे, शायद वो पैसे लेने की वजह ना बताना चाहती हो। मतलब वो डेफिनेटली मुझसे कुछ छुपा रही है, और वो कोई गलत बात ही होगी जो आले ने उसे सिखाई होगी। भी पूछता हूँ आले से। आले इज रियली क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उस दिन भी उसने प्रज्ञा को कितना कुछ सुनाया, पहले माँ के दिमाग में ये बात डाली कि उसकी बेटी उसे नफरत करती है, और अब बोला इलाज कराओ और खुद पट्टियां बांध रहा है। मुझे तो लग रहा है ये बाप बेटी हैं, चोट बेटी को लगी है, दर्द बाप को हो रहा है। देखो गाड़ी की टेंशन मत लेना, वो नंबर मैंने बाहर कर लिया, वो अब पकड़ा जाएगा, कहीं कहीं नहीं जा पाएगा वो।
हॉस्पिटल ले जाकर तुम्हारा इलाज कराना होगा। तुम नहीं सर, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, डर गई थी। तुम चल सकती हो क्या? फोन, मेरा फोन था मेरे पास, फोन। फोन? किसी ने फोन देखा क्या? सर बैग में होगा। ये तुम्हारा फोन और ये तुम्हारा बैग। कहाँ? तुम्हें पता है क्या हुआ मेरे साथ? मम्मी ने ना पूरा पूजा का सामान बोल दिया मुझे लाने के लिए, और वो भी यहाँ से, और बोला है मुहूर्त से पहले घर छोड़ गया हूँ। Sorry, I was lost. Actually, मैं टैक्सी ढूंढ रही थी, मेरी कार खराब हो गई ना। अरे तो हमारे होते हुए टैक्सी मैं छोड़ दूंगा ना तुम्हें, और क्या भाग भाग के टैक्सी पकड़ लोगी क्या? लेट्स गो। मैं चल जाऊं। चलो चलो चलो, लेट्स गो, कम। आज आज सब कुछ ही खराब हो रहा है मेरे साथ, कभी डैड, कभी रणवीर, और वो प्राची, मेक द वीडियो, दिल ही खराब है मेरा। चले, बात नहीं करना, इस बारे में बात करके तुम्हें सुनाएंगे, और वो तो इट्स नॉट गुड आइडिया। सर लेकिन रणवीर तो होगा ना वहां पे, वो बता देगा ना सबको कि मैं माया की नहीं, उसके साथ हूँ। What? With रणबीर? वो एक्चुअली क्या हुआ ना सर, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। आपको क्या, मैंने किसी को नहीं बताया। एक्चुअली हाँ, मैं रणबीर के साथ हूँ, उसकी साइड हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ उसकी हेल्प करने की कि वो इस केस से बाहर निकले। आई एम ट्राइंग सर। रियली? आर यू सीरियस? चलिए ना रणबीर के घर चलते हैं। चलो। प्राची मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, ऑब्वियसली वो माया के साथ मिली हुई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राची एक्चुअली मुझ पे ट्रस्ट करती है, शी ट्रस्ट्स मी। हाँ, और वो माया के साथ सिर्फ इसलिए है ताकि वो उसके इंटेंशन का पता लगा सके, ताकि उसको पता चल जाए कि वो रणवीर के अगेंस्ट कुछ प्लॉट तो नहीं कर रही। बट ये बात किसी को नहीं पता है, तुम पहली इंसान हो जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ। ओके, ये मेरा और प्राची का एक छोटा सा सीक्रेट है। वाओ, आई एम हैप्पी कि प्राची तुम्हारे साथ है। या शी इज नॉट अगेंस्ट मी, और मेरे साथ ही नहीं है, वो एक्चुअली मेरे लिए हेल्प भी कर रही है। तुम्हें पता है उसने माया के खिलाफ ना एक सॉलिड प्रूफ इकट्ठा करा हुआ है। Exactly, और वही लेके घर आ रही है। See, सब ठीक हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा, माया का पर्दा फाश। ये क्या हो क्या रहा है? It's so confusing, मुझे समझ नहीं आता। हम सब जानते हैं इस लड़की ने रणबीर के अगेंस्ट जाकर माया का साथ दिया, तो अब इसमें सफाई देने की जरूरत क्या है? That's because she's a stupid girl. उसे लगा ये सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगी। अगर इसने मुझे बताया होता, मुझसे हेल्प लिया होता, तो things would have been different now, all right? क्या हो रहा है?